हेलो व्यूअर्स, आज काफ़ी अरसे बाद व्लॉग बनाने जा रहा हूँ। बीच में एक बहुत लंबा सा गैप आ गया था। उसकी वजह यह है कि मैं बहुत मसरूफ़ था और बीच में थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से थोड़ा गैप आ गया। आज हम दोबारा चलते हैं टाउन और आपको टाउन विज़िट करवाते हैं। पहले हमने टाउन विज़िट किया था लॉकडाउन के दौरान, और लॉकडाउन के दौरान इतना मज़ा नहीं था, सारे शॉप्स क्लोज थे। तो आज हम चलते हैं, आज क्योंकि लॉकडाउन अब यूके में ख़त्म हो चुका है, और हम जाते हैं बर्मिंघम टाउन में। आपको दिखाते हैं बुलरिंग मॉल और आप देखें, एंजॉय करें हमारे साथ। मैं अभी जा रहा हूँ एक दोस्त को पिक करने जो मेरे साथ टाउन चलेंगे, समर हयात उनका नाम है। अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ, उनको पिक करूँगा। तब तक आप यूके की ड्राइव एंजॉय करें। जी, मैं पहुंच चुका हूं समर हयात के पास, और अभी उसको कॉल करके बाहर बुलाते हैं, फिर चलते हैं टाउन की तरफ। ले जी, समर हयात भाई आ गए मेरे साथ, और समर भाई की आने की वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं की। मैंने कहा आज यहाँ रिलैक्स होके बैठे हैं गाड़ी में, तो फिर रिकॉर्ड करते हैं। समर हयात भाई हमारे पास अभी नए नए बर्मिंघम में आए हैं, और ये मैनचेस्टर से आए हैं। तो आज क्योंकि समर बैंक हॉलीडे है, इनका नाम भी समर है, तो इस वजह से मैंने बोला कि समर भाई को थोड़ा ना टाउन विज़िट करवाएँ। तो चलते हैं, आपको भी टाउन विजिट करवाते हैं, समर भाई को भी दिखाते हैं, हमारे साथ एंजॉय करें। ये जी एरिया है ब्रिज स्ट्रीट का, यहाँ पे पाकिस्तानी कंसुलेट भी है, और ये कैनाल है, आप देख सकते हैं पीछे हमारे कश्तियाँ खड़ी हैं, और ये कश्ती इधर जा रही है इस तरफ, ये देखिए। तो अब हम प्लान कर रहे हैं कि हम कैनाल के इस साइड हैं, लेकिन हम प्लान कर रहे हैं कि हम कैनाल के उस साइड जाएँ और थोड़ी वॉक भी करें और आपको थोड़े नज़ारे भी दिखाएँ। तो हम अभी रास्ता ढूँढ रहे हैं, आप भी हमारे साथ रास्ता ही ढूँढें। ले जी, ये सीक्रेट रास्ता हमने क्रॉस कर लिया, यहाँ के नज़ारे देखे हैं। ये जी कैनाल के साथ ही बिल्कुल रेस्टोरेंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, बेहतरीन किस्म के रेस्टोरेंट है। यहाँ पे फास्ट फूड भी आपको मिल सकता है, और वाइन यहाँ की बड़ी फेमस है, यहाँ पे वाइन पीने भी आते हैं लोग। यहाँ पे क्लब्स भी हैं, और साथ ही मेलबॉक्स की बिल्डिंग है, ये आप देखें, ये होटल भी है, और यहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स भी हैं। मेरे साथ ही जो है बिल्कुल ये कैनाल है, और अब हम जा रहे हैं कैनाल की इस साइड पे। ये जी आपको यहाँ पे ताले नज़र आ रहे होंगे, तो ये ताले जो है किसी ना किसी ने अपने की मेमोरी के लिए लगाए हुए हैं इधर।
ये मोस्टली जो है ना कपल्स ने या किसी ने अपनी लविंग मेमोरी के लिए यहाँ पे ताले लगाए हुए हैं। जो भी इधर आता है अपनी मेमोरी में एक ताला लगा के जाता है। जैसे ये देखें लिखा हुआ है S+R, तो ये S+R कोई है, और जैसे ये ID+JF, दोनों साइडों पे ये बहुत सारे ताले लगे हुए हैं। और साइड में ये व्यू है, देखें कितना खूबसूरत व्यू है। और ये होटल का व्यू है। इस साइड पे आते हैं तो यहाँ से भी एक बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा है। और ये सामने मेल बॉक्स की बिल्डिंग है। इन कश्तियों में बाकायदा बाथरूम होते हैं, रूम्स बने होते हैं, किचन बने होते हैं, बेडरूम बने होते हैं, और ये प्रॉपर एक घर का जो है ना लुक दे रही होती हैं। तो इसमें लोग रहते भी हैं। ये कश्तियाँ इन्होंने रेंट पे भी ली होती हैं। इनका रेंट बहुत ज़्यादा होता है, और बाजू का ये जो कश्तियाँ हैं यहाँ पे लोग बुक करवा के अपनी बर्थडे पार्टीज़ वगैरह भी इंजॉय करने आते हैं। ये जी बिल्डिंग है दी वाफ, और ये 1989 में बनी थी, और इस बिल्डिंग में पाकिस्तानी कंसुलेट भी है। अगर हम बैठे हुए हैं, आपको यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आपको रियल एल मिलेगी। एल समझते हैं, एल मतलब शराब। तो हम तो शराब के शौकीन नहीं है, वैसे हमने सोचा कि थोड़ा वीडियो बना लें, क्योंकि लोकेशन बहुत अच्छी है। यहाँ पे लोग शाम के टाइम पे आ जाते हैं, यहाँ पे रश लगा होता है अंग्रेज़ों का, लोगों का, पूरे आते हैं। और ये देखें शिप्स यहाँ पे चलती रहती हैं, बड़े नज़ारे हैं जी। यहाँ पे ब्रिज स्ट्रीट है, ये ब्रिज स्ट्रीट जो है यहाँ की बड़ी फेमस स्ट्रीट है। तो यहाँ पे रश लगा होता है, यहाँ पे पब्स एंड बार्स दोनों है, यहाँ पे बड़ा मज़ा होता है। कहते हैं ब्रिंडली प्लेस, और ये ब्रिंडली प्लेस जो है यहाँ पे मोस्टली आपको पब्स मिलेंगे, क्लब्स मिलेंगे यहाँ पे, और शाम के लिए तो यहाँ पे बहुत बड़ा जो है रश होता है रात के टाइम पे स्पेशली। लेकिन इस वक्त भी जो है ना काफ़ी लोग आए हुए हैं, यहाँ पे बार्स हैं और पब्स हैं, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं अपनी मील्स को। और बियर वगैरह वाइन यहाँ पर बहुत फेमस है, तो वो यहाँ पर पीते हैं सारे लोग। ये जी लीगो लैंड है, यहाँ बिल्कुल साथ ही बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन जगह है, बच्चों के टॉयज भी मिलते हैं आपको। और ये आपको जिराफ नज़र आ रहा होगा, अभी इसके साथ हमने वीडियो भी बनाई है, पिक्स भी बनाई हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एरिया है, और यहाँ पे बच्चों के लिए इंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा है।
केनाल के व्यूज़ आपने देख लिए, बहुत खूबसूरत केनाल था। तो अभी हम जा रहे हैं टाउन, फिर टाउन में आपको दिखाते हैं वहाँ पे लोगों का रश होता है और वहाँ पे लोग इस टाइम पे शॉपिंग करने निकले होते हैं। वहाँ पे आपको दिखाते हैं कौन कौन सी शॉप्स हैं, क्या क्या आप शॉपिंग कर सकते हैं और वहाँ के व्यूज़ बड़े अच्छे होते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हमारे पीछे ICC लिखा हुआ है, ICC की बिल्डिंग है और ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है। तो अंदर चलते हैं, आपको फिर बता दें कि ये कौन सी बिल्डिंग है और अंदर से इसका लुक कैसा नज़र आता है। UK में ये बड़े शशके हैं फ्री वाईफाई के। जी समर भाई, ये ICC की बिल्डिंग है, ICC का मतलब क्या है? ICC का मतलब है इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। इतने भी वफूद है ना इंटरनेशनल लेवल पे जो इधर आते हैं ना, अच्छा, उनको इधर ही सारा एंटरटेन करते हैं। और ये देखें माशाल्लाह, जबरदस्त किस्म की बिल्डिंग है, तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है। ये जी मेरे पीछे बर्मिंघम की सेंट्रल लाइब्रेरी है। ये 1865 में बनी थी और उसके बाद इसको 2013 में रीबिल्ड कर दिया गया और फिर इसका नाम बर्मिंघम सेंट्रल लाइब्रेरी रखा गया। और ये बर्मिंघम की बहुत बड़ी लाइब्रेरी, अगर देखा जाए तो ये UK की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। यहाँ पे बहुत सारे बुक्स आपको मिल जाएंगे, उसके मेरा ख्याल है 3-4 पोर्शन हैं ऊपर और एक ग्राउंड फ्लोर भी है। ये जी इस वक्त मेरे बैकग्राउंड में आप जो देख रहे हैं, ये बर्मिंघम की सेंट्रल लाइब्रेरी का आउटसाइड वाला लुक है। और ये देखें बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और ये ग्लास डोर्स लगे हुए हैं, सारी बुक से भरी हुई है। अभी मैं आपको इसके ग्राउंड फ्लोर का एक लुक देता हूँ। ये जी जो बर्मिंघम सेंट्रल लाइब्रेरी का ग्राउंड फ्लोर है, ये उसका एक लुक है। ये यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ पर बुक्स भी नज़र आ रहे होंगे आपको। और ये जी है बर्मिंघम सेंट्रल लाइब्रेरी के साथ ही एक फाउंटेन, और ज़बरदस्त किस्म का फाउंटेन है। अभी इसके वाटर शावर्स अगर ओपन होते हैं तो आपको वो भी दिखाते हैं।